Good morning to all welcome to my channel learn with pragati today we will be studying counting in tens class 2 mathematics ncrt but before that please like subscribe and share my channel thank you counting in tens our first topic is chicken and the clever fox let's read this story tiklu farmer has many chickens in her farm tiklu किसी फार्मर का नाम है फार्मर मतलब किसान का नाम ठीक है उसके पास बहुत सारे चिकन्स हैं उसके फार्म में वन डे क्लेवर फॉक्स और दीज नॉटी चिकन्स प्लेइंग अराउंड एक दिन एक क्लेवर फॉक्स एक चार लाख लोमड़ी ने क्या देखा नोटी फ्लॉक चिकन्स को मतलब जो शैतान चिकन्स होते हैं छोटे छोटे जो खेलते रहते हैं उनको खेलते हुए देखा ग्राउंड में फ्राम दैट डे शी स्टार्टड स्टीलिंग एंड ईटिंग चिकन्स एवरी डे क्या उस दिन के बाद से जब से उसने ग्राउंड में खेलते हुए देख लिया उसने क्या करना शुरू किया स्टीलिंग चुराना और खाना उन चिकन्स को शुरू कर दिया टिकलू केम टू नो अबाउट इट जैसे ही टिकलू को उसे पता चला शी आज द फॉक्स उसने फॉक से पूछा हे डू यू ईट माई चिकन्स कि क्या तुमने मेरे चिकन्स खाए ये टिकलू फार्मर है ये फॉक से पूछती है नो डियर आई एम योर फ्रेंड हाउ केन आई ईट योर चिकन नो डियर नहीं तो मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ हाउ केन आई ईट योर चिकन्स मैं तो मैं चिकन कैसे खा सकता हूं टिकलू थॉट ऑफ काउंटिंग हर चिकन एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग टिकलू ने सोचा कि मैं सुबह शाम हर सुबह हर शाम को अपने चिकन्स काउंट करूंगी बट द चिक्स कैप मूविंग अराउंड हर हेयर एंड देयर बट जो चिकन्स होते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं तो शी सेट आई विल पुट टेन चिकन्स इन वन बास्केट एंड काउंट दैम उसने सोचा कि मैं दस चिकन्स को कितने टेन चिकन्स को एक बास्केट में रख दूँगी और फिर उसको काउंट करूंगी इस तरह से एंड इफ आई फाइंड एनी ऑफ दैम मिसिंग आई विल गिव द फॉक्स अ टाइट स्लैप और अगर मैंने देख लिया कि किसी कोई भी चिकन मे मिसिंग है मतलब गायब हो गया है तो मैं उस फॉक्स को बहुत ज़्यादा टाइट स्लैप मतलब ज़ोर से थप्पड़ मारूंगी इन द मॉर्निंग शी काउंटेड हर चिकन्स उसने मॉर्निंग के टाइम पे अपने चिकन्स काउंट करे कैसे अब देखो उसने क्या बोला था कि मैं टेन चिकन्स को एक बास्केट में रख दूंगी ये बोला था ना उसने तो अब देखो उसने कितनी बास्केट ली है ये एक बास्केट है वन इसमें टेन चिकन्स है आप काउंट करके देखिए ऐसी ये दूसरी बास्केट ये तीसरी ये चौथी पाँचवी मतलब पाँच बास्केट्स हैं इन सब में टेन टेन चिकन्स हैं सब में इसमें भी टेन है इसमें भी टेन है इसमें भी टेन इसमें भी टेन इसमें भी टेन इस है और इसके अलावा चार चिकन्स और हैं एक येरा चिकन टू थ्री और फोर चार चिकन् और हैं मतलब टेन टेन के टेन टेन चिकन्स तो बास्केट में हैं और बास्केट हैं कितनी फाइव बास्केट्स हैं टोटल और चार चिकेन् और हैं इन चारों को भी वो बास्केट में रख लेती पर उसने कहा था मैं चार चिकन बास्केट में रखूँगी पर ये तो सिर्फ चार ही हैं तो उसने सोचा कि इसे बाहर ही रहने देती हूँ अब देखो आगे हाउ मैनी बास्केट्स ऑफ ईच हाउ मनी बास्केट्स ऑफ टेन चिकन्स आर देयर की कितनी बास्केट्स हैं टेन चिकन्स की तो हमने बास्केट काउंट करी थी ना कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बास्केट्स हैं हाउ मेनी चिकन्स आर देयर इन ऑल फिफ्टी प्लस फोर देखो फाइव बास्केट्स हैं और एक बास्केट में टेन चिकन्स हैं तो फाइव इंटू टेन कितना हो गया फिफ्टी देखो टेन ट्वेंटी काउंट करके देख लो मेरे साथ टेन ट्वेंटी थर्टी फोटी फिफ्टी आप जब इन सब टेन को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा फिफ्टी यहाँ पे आ जाएगा और फिफ्टी तो ये हैं और फोर अलग से हैं टू प्लस टू फोर तो ये टोटल कितने हो गए फिफ्टी फोर चिकन्स इन द इवनिंग शी काउंटेड द बा शी काउंटेड द चिक्स अगेन उसने शाम को फिर से काउंट करे उसने बोला था ना तो अब देयर आर डैश बास्केट्स ऑफ टेन चिकन्स अब कितनी बास्केट हैं टेन चिकन की वन टू थ्री फोर अब सिर्फ फोर ही बास्केट्स है दिन में कितनी थी डे में थी डे uh, में थी फाइव बास्केट्स अब इवनिंग के टाइम या लिख दो इवनिंग इस टाइम पे कितनी बास्केट्स हैं फोर बास्केट्स हैं मतलब एक बास्केट में चिक, दस चिकन थे तो मतलब दिन में कितने चिकन्स थे अलग से बास्केट के अंदर फिफ्टी और शैम्पू कितने हैं थी देर आर प्लस डैश प्लस थ्री चिकन डैश चिकन इन ऑल तो अब टोटल चिकन कितने हैं अब देखो फोर्टी तो चिकन्स हो गए बास्केट में और और अलग से दिख रहे हैं आपको वन टू थ्री थ्री चिकन्स हो गए अलग से तो फोर्टी प्लस थ्री कितने हो गए फोर्टी थ्री चिकन्स हो गए टोटल मतलब शाम को कितने चिकन्स बचे उसके पास इस फार्मर के पास फोर्टी थ्री चिकन्स तो फिफ्टी फोर माइनस डैश कि उसने कितने खा लिए होंगे कि चिकन्स ईटन बाय द फॉक्स तो कितने खा लिए होंगे इसने फिफ्टी फोर थे सुबह को अब फोर्टी थ्री बचे हैं तो च, उस वो जो थी फॉक्स उसने कितने चिकन्स खा लिए होंगे तो मतलब उसने एलेवन चिकन्स खा लिए फिफ्टी फोर में से आप फिफ्टी फोर तो थे सुबह को और अभी कितने हैं फोर्टी थ्री हैं तो फोर्टी थ्री में से फिफ्टी फोर में से फोर्टी थ्री गया तो कितना मचा है? 11 तो मतलब कि 11 चिकन्स खा लिए उस फॉक्स ने हाउ मनी आर ट्री ये कितने हैं भानु कलेक्ट स्टिक्स फ्रॉम द जंगल ही सेल्स देम इन द मार्केट जो भानु है वो स्टिक खरीदता है आ, स्टिक कलेक्ट करता है जंगल से स्टिक मतलब लकड़ियाँ कलेक्ट करता है जंगल से और मार्केट में सेल कर देता है ही यूजेस टेन स्टिक्स टू मेक अ बंडल वो दस स्टिक का एक बंडल बनाता है मतलब एक बंडल मतलब एक गट्ठर जैसे ये दिख रहा है ना इसमें कितनी स्टिक्स हैं टेन स्टिक्स आप काउंट करके भी देख सकते हैं फोर नीचे हैं फिर थ्री ऊपर हैं टू फिर ऊपर फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन कितनी स्टिक्स हो गई हो गई टेन तो मतलब एक बंडल में टेन स्टिक्स हैं नाउ थ्री बंडल्स हैव डैश स्टिक्स जब वन बंडल में टेन स्टिक्स हैं तो थ्री बंडल्स में कितनी स्टिक्स होंगी टेन ट्वेंटी थर्टी कितनी स्टिक्स हो गई थर्टी स्टिक्स ठीक है ना हाउ मेनी स्टिक्स इन ऑल इन ऑल आर दीज कितनी स्टिक्स हैं ये कितनी स्टिक्स हैं आप कैसे काउंट करेंगे वन टू थ्री थर्टी तो ये बंडल हो गए अब बाकी आप काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन थर्टी प्लस नाइन कितने हो गए थर्टी नाइन थर्टी नाइन हो गए थर्टी नाइन सिक्स इन ऑल देखिए ध्यान से अब आपको ये बार बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी जैसे आपको ये खुली हुई थी स्टिक्स वंस के फॉर्म में तो आपको ये तो काउंट करनी पड़ेगी बट जो टेंस के फॉर्म में आ जाती है अब जब ये देखो ये एक टेन है ये भी एक टेन है ये भी एक टेन है देखो दोबारा से मैं बताती हूँ ये एक टेन है टेन का बंडल ऐसे ये एक टेन का बंडल है ऐसे ये एक टेन का बंडल है तो थ्री टेंस मतलब कितना हो गया थ्री टेंस मतलब हो गया थर्टी और ये नाइन वंस अलग से है तो थर्टी प्लस नाइन कितना हो गया थर्टी नाइन फोर बंडल्स वुड हैव डैश स्टिक्स अब अगर बताओ फोर बंडल्स होते एक बंडल में टेन है तो फोर बंडल में टेन होते four tens, मतलब कि उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं फोर टेन्स तो कितना मतलब होता है इसका उसका मतलब होता है फोर्टी तो फोर बंडल कितने स्टिक्स होते हैं फोर्टी स्टिक्स नेक्स्ट टॉपिक किस कि देर इज़ अ वेडिंग इन मालतीज हाउस एक मालती है उसके घर में एक शादी है शी इज़ मेकिंग फ्लावर गार्लें मतलब वो फ्ला फूलों की माला बना रही है शी यूज टेन फ्लावर्स टू मेक वन गार्लेंट मतलब देखो एक गार्लेंट मतलब एक हार बनाने में उसको टेन फ्लावर्स लगते हैं ठीक है टेन फ्लावर्स लगते हैं उसको एक हार बनाने में अब देखो टेन फ्लावर्स से वो बनाती है एक गार्लैंड टेन फ्लावर्स का यूज़ करके बनता है एक गार्लैंड मतलब एक हार बनता है अब देखो कितने यहाँ पे हार है वन टू थ्री फोर फाइव कितने हार हैं फाइव और ये कितने हैं फ्लावर्स अलग से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट फ्लावर्स यहाँ लिखा भी है एट फ्लावर्स अलग से हैं सो देर आर डैश फ्लावर्स एंड ऑल तो टोटल कितने फ्लावर्स हो गए अब देखो ये गार्लेंट्स कितने हैं पाँच और एक गार्लेंट में कितने होती कितने फ्लावर्स हैं टेन मतलब फ़ाइव टेंस ठीक है उसको हम कैसे लिख सकते हैं फाइव टेंस बोलेंगे ना ऐसे एक गार्लेंट में दस फ्लावर्स हैं तो दस इसमें दस इसमें दस इसमें हैं दस इसमें है दस इसमें इस इस तो टेन 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 पाँच बार टेन मिलके क्या हो गया फिफ्टी हो गया और ये एट फ्लावर्स अलग से हैं तो फिफ्टी प्लस एट कितना हो गया आंसर आ जाएगा फिफ्टी एट ऐसे ही नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो हाउ मेनी फ्लावर्स आर दीज हाउ मेनी फ्लावर्स आर इन आर दीज फ्लावर्स इन ऑल तो टोटल तो तो इस वाले में कितने फ्लावर्स हैं ये देखो कितने गार्डन हैं काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स गार्लेंस मतलब सिक्स टेंस मतलब कि सिक्स फ्लावर्स है ना एक गार्लेंड में टेन फ्लावर्स हैं तो सिक्स इंटू टेन कितना हो गया सिक्सटी हो गया देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो टेन 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 कितने सिक्स बार टेन आ गए तो छः बार दस बार जब आप टेन 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 सिक्स टेन्स लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा सिक्स सिक्सटी हो जाएगा ना अब अलग से कितने फ्लावर्स हैं यहाँ पे काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अलग से सेवन फ्लावर्स हैं तो सिक्सटी तो इनमें है और सेवन अलग से हैं तो ये कितना आ जाएगा सिक्सटी सेवन फ्लावर्स सिक्सटी सेवन अब आपसे पूछा है क्वेश्चन हाउ मेनी गार्डन ऑफ टेन फ्लावर्स ईच कैन यू मेक यूजिंग ट्वेंटी वन फ्लावर्स ड्रॉ दम इन स्पेस बिलो अब आपसे बोला है कि आप टेन um, फ्लावर एक गार्डन में आपको उसकी तरह उस लेडी की तरह एक गार्डन में मतलब एक हार में आपको टेन फ्लावर्स यूज़ करने हैं जैसे ये एक हार है इसमें आप टेन फ्लावर्स यूज कर यूज़ करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन एक हा एक गार्डन में टेन फ्लार्स हो गए दूसरे भी टेन फ्लार्स आपके पास टोटल ट्वेंटी वन फ्लावर्स है उसने आपको दिए भी हैं टोटल ट्वेंटी वन है तो उसमें से टेन तो इसमें यूज़ हो गए कितने बचे इलेवन अब फिर से इसमें टेन फ्लार्स यूज़ कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टेनिस इसमें यूज़ हो गए टेनिस इसमें यूज़ हो गए तो ट्वेंटी तो ये फ्लार्स यूज़ हो गए अब कितना बचा सिर्फ एक ही फ्लावर बचा तो हम कह सकते हैं ट्वेंटी वन में से सिर्फ टू लेंस बने दस दस फ्लास ईच के और एक फ्लास बच गया नेक्स्ट टॉपिक है लीला कैन यू सी ऑल दीज पेंसिल्स कि लीला ये बोलती है लेडी कि लीला क्या तुम ये सारी पेंसिल्स देख सकती हो हाउ मेनी आर दीज ये कितनी है इफ़ यू मेक अ गुड गेस्ट ऑल दीज विल बी used. अगर तुम गेस कर पाओ तो ये सारी पेंसिल्स तुम्हारी हो जाएंगी तो देखो आप काउंट करके देख लो एक ये तो चार अलग से हैं ना टू प्लस टू कितने हैं ये चार पेंसिल्स अलग से हैं साफ साफ सुंदर सुंदर लिख लो टू प्लस टू मतलब ये तो चार पेंसिल्स अलग से हैं जो सबसे ऊपर रखी हैं अब देखो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स बंच हैं हमारे पास कितने सिक्स बंच हैं बंच मतलब होता है एक तरफ से एक झुंड बना के रख दिया हमने वो सिक्स बंच है हमारे पास ठीक है अब देखो एक बंच में कितनी पेंसिल्स हैं ये काउंट करो तो अगर आपको पता है दिख रहा है ना कि इस बंच में कितनी पेंसिल्स हैं टेन आप काउंट करके देख सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन टेन टेन पेंसिल्स हैं तो सिक्स बंच टोटल हैं और एक बंच में टेन पेंसिल्स हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मतलब टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी कितने हो गए टोटल पेंसिल सिक्सटी ये और फोर ऊपर अलग से रखी हैं तो टोटल पेंसिल्स कितनी हो गई सिक्सटी फोर अब देखो आपसे क्या क्वेश्चन क्या पूछा है लेट अस हेल्प लीला हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ टेन पेंसिल्स आर दिया कि टेन पेंसिल्स के कितने पैकेट्स हैं यहाँ पर काउंट करे थे ना अभी हमने तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स पेंसिल्स हैं टेन पैकेट्स के नेक्स्ट है हाउ मेनी पेंसिल्स आर आउटसाइड द पैकेट जो कितनी पेंसिल्स हैं जो पैकेट के बाहर रखी हैं तो ये ऊपर वाली पेंसिल्स पैकेट में नहीं रखी हैं ना तो यहाँ पे लिख दीजिए फोर सो ऑल टुगेदर आर देयर आर डैश पेंसिल्स तो टोटल कितनी पेंसिल्स हो गई सिक्सटी तो हो गई पैकेट्स के अंदर वाली ये और चार ऊपर वाली तो टोटल तो हो गई सिक्सटी फोर पेंसिल्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कनक लाइक्स कलेक्टिंग डिफरेंट बिंदीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बिंदीज कनक जो कनक है एक लड़की ये ठीक है इसको अलग अलग टाइप की बिंदीज़ कलेक्ट करने का बहुत शौक है तो देखो इसके पास अलग अलग बिंदी देखो ये सर्कल ये ट्राइंगल ये ड्रॉप शेप ये रेक्टेंगल शेप ये स्माइली हार्ट सर्कल इस टाइप की अलग अलग बिंदियाँ हैं उसके पास हाउ मेनी पैकेट्स पैकेट शी हैव कि उसके पास कितने पैकेट्स हैं आप पैकेट काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन पैकेट्स हैं उसके पास ठीक है अब नेक्स्ट आपसे पूछा है सो हाउ मनी बिंदीज इन ऑल तो टोटल बिंदीज कितनी हो गई एक पैकेट में कितनी बिंदी हैं एक पैकेट में टेन बिंदीज हैं ना देखो दिख रहा है ना ये टेन बिंदीज है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे ही सारे पैकेट्स में टेन टेन बिंदी तो आप काउंट कर लो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी सेवेंटी बिंदी हो गई ये तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो सेवन पैकेट थे और एक एक पैकेट में कितनी बिंदी है टेन तो सेवेंटी आ गया तो, मतलब सेवन टेन्स कितना हो गया सेवन टेन्स कितना हो गया सेवेंटी नेक्स्ट है ईच पैकेट हैज़ थ्री प्लस फोर प्लस थ्री बिंदीज जैसे कैसे है ये हर पैकेट में किस तरह से उसने बिंदी दी थ्री फिर बीच वाली जो ये है लाइन उसमें फोर ऊपर वाली में थ्री बिंदी है फिर बीच वाली मिडल वाली में फोर बिंदी है फिर लास्ट वाली में थ्री बिंदी है तो थ्री प्लस फोर प्लस थ्री इस तरह से उसने डिजाइन बनाई है सारी पैकेट्स में बिंदीज की नाउ यू ड्रॉ टेन बिंदीज इन डिफरेंट वे अब उसने जो डिजाइन बनाई थी उसने क्या बनाई थी थ्री थ्री बिंदी ऊपर थी फिर चार बिंदी नीचे थी और तीन बिंदी फिर नीचे थी तो ये टेन हो गई ना टोटल मिलके अब आपसे बोला है कि आप अलग अलग तरह से टेन बिंदीज बनाइए तो आप कैसे बना सकते हैं जैसे अलग अलग कोई सा भी दो जैसे आप यहाँ पे एक पैकेट बनाइए पहले तो टू कर दीजिए और फिर सिक्स कर दीजिए सिक्स बिंदी एक साथ और फिर टू कर दीजिए तो ये भी एक डिज़ाइन हो गया ऐसे ही आप और कैसे बना सकते हैं फाइव बिंदी एक साथ बना दीजिए और नीचे भी फाइव फाइवबंदी एक साथ बना दीजिए ये भी एक डिज़ाइन हो गया ऐसे अलग अलग कि और किस तरह से आप बना सकते सुंदर सुंदर कोई भी आप डिज़ाइन देखिए और बना लीजिए ह्यो द चैप्टर एंड्स नाउ अस अंडरस्टैंड हाउ टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड वॉट द कंसेप्ट ऑफ टेंस एंड वंस जब भी हम टेंस और वंस का कंसेप्ट बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं और वो नहीं समझते हैं तो हम लास्ट में उनसे बोल देते हैं जैसे कि नंबर लिखा है मैंने 25 तो हम उनसे कह देते हैं ये वाला टेंस है लेफ्ट वाला और राइट right वाला होता है वंस और इसके आगे डिजिट हो तो हम उसके अकॉर्डिंग समझा देते हैं या फिर कोई भी नंबर है जैसे सेवेंटी लिख दिया तो हम बोल देंगे उनसे ये वंस है और ये टेंस है बट बच्चे इस चीज़ को समझ भी जाते हैं बट एक्चुअल में क्या होता है टेंस वंस ये देखते हैं हम आज देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा हमें वन टू नाइन तक तो बच्चों को समझाना बहुत ईजी होता है ठीक है बट आग बात आती है टेन के बाद इलेवन ट्वेल्व इसके आगे के नंबर समझाने की तो वो कैसे समझाएंगे देखिए अब मैंने एक बंच लिया है पेंसिल्स का ये कितनी पेंसिल्स हैं आप काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कितने टेंस हैं ये इसमें ये दस पेंसिल हैं ना तो दस कितनी बार आया है सिर्फ एक बार आया है और ये कितनी है अकेले ये वन है या फिर हम कह सकते हैं टेन प्लस वन मिल क्या हो गया एलेवन ऐसे ही अगर हमें ऐसे लिखना होगा ट्वेल्व को तो वो कैसे लिखा जाएगा ट्वेल्व को कैसे लिखेंगे टेन कितनी बार आया है? एक बार और इसके आगे ये कितनी पेंसिल्स हैं टू तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वेल्व ये एग्जाम्पल करा हुआ है आप देखिए ये कितनी टेन कितनी बार टेन आया है इसमें वन टेन है टेन तो एक बार टेन आया है ना टेन मतलब कि दस जग दस जो चीज़ें हैं दस पेंसिल एक बार ही तो आई हैं तो ये टेन हो गया वन और ये कितनी अलग अलग वन टू थ्री फोर तो ये होगी फोर वंस तो टोटल तो, तो 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 कितनी हो गई वन टेन प्लस फोर मतलब टेन प्लस फोर कितनी होगी फोरटीन अब जैसे हमने देखा था कि एक बार टेन आया और चार बार वंस आया तो फोर तो हो गया फोरटीन हम दो बार टेन आएंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू तो टेंस ठीक है दो टेन्स हैं और ये वंस कितने हैं टू तो ये कितना हो गया ट्वेंटी टू अब ये कुछ एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन है आप देखिए इसमें टेन कितनी बार आया काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स टेंस हो गए सिक्स टेंस ठीक है और वंस कितने हैं वन टू थ्री फोर फोर वंस हो गए तो सिक्स टेंस और फोर वंस मतलब सिक्सटी फोर सिक्स टेंस मतलब होता है सिक्सटी और फोर मतलब फोर तो है ही इन दोनों को ऐड करके इतना ही आएगा अब ये देखिए इससे एडिशन इतना ज़्यादा ईजी हो जाता है अब इसको देखिए टेन वन टू थ्री थ्री टेन्स हैं इसमें ओके और वंस कितने हैं थ्री वंस हैं तो थ्री टाइम्स मतलब थर्टी और प्लस थ्री मतलब हो गया थर्टी थ्री थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल थैंक यू